हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। एक सवाल पूछना था, वेयर डू यू थिंक इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड? अमेरिका, लंदन, फ्रांस? इट इज इन इंडिया। वेलकम टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। केवड़िया जो अहमदाबाद से और वडोदरा से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है, एक 597 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वही नेता है जिन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनाइट कर उनका यूनियन बनाया और आज ये स्टैच्यू उन्हीं को डेडिकेट करता है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। दूर से ही बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। So, Statue of Unity opens at 8 AM for visitors. ये मंडे को बंद रहता है और शाम को 6 बजे के बाद विजिटर्स को स्टैचू के पास नहीं पर दूर की व्यूइंग गैलरी से वो बैठकर एक लेजर शो एंजॉय कर सकते हैं। That happens at 7 PM. यहाँ की प्राइसिंग के लिए 3 लेवल्स हैं। द बेसिक लेवल टिकट स्टार्ट्स एट 150 रुपीज, जिससे आप एग्जिबिशन को एक्सेस कर सकते हैं, व्यूइंग गैलरी जा सकते हैं एंड ऑल्सो स्टैचू की फीट लेवल तक जा सकते हैं। बट इफ यू बाय द सेकंड लेवल टिकट व्हिच इज एट 380 रुपीज, यू कैन एक्चुअली गो टिल द चेस्ट लेवल ऑफ द स्टैचू, जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यूइंग गैलरी है और आप केवड़िया का एक पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। Both the tickets include the Valley of Flowers as well as the dam viewpoint. और अगर आप बिल्कुल express और VIP entry चाहते हैं, be ready to shell out 1,030 rupees. टिकटें इतनी ज़्यादा भी नहीं हैं। 1,000 में सबसे बड़ी टिकट है, 1,030 में। There's a food court और यहाँ पर एक fancy सा Starbucks भी है। चाहे इतनी भी बड़ा प्यारा माहौल बनाया है। Oh my God! Oh ho! इतना बड़ा। Is 182 meters और आज पहली बार मुझे अपनी हाइट बहुत छोटी लग रही है, शायद सिर्फ 1 या 2 मीटर होगी या उससे भी कम। Interestingly, सरदार वल्लभ भाई पटेल was often called the Iron Man of India. और ये स्टैच्यू इज अ नोट टू हिम एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर इंडिपेंडेंट इंडिया। सो ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और इस स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ इनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अक्टूबर 2018। ओ, सरदार साहब भी गुजरात के और मोदी जी भी गुजरात के, साथ में अमित शाह भी बैठे हैं। स्टैचू के अंदर व्यूइंग डेक पर जाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू एन एग्जीबिशन सेंटर और अ व्यूइंग गैलरी। ये कितना बड़ा है। It's so amazing that every feature has been perfectly crafted on his face, be it the wrinkles, the eyes, everything. So this is just a life-size image or rather replica of the actual statue. फर्क सिर्फ इतना है कि actual statue में उनका face है 70 feet और यहाँ पे है about 14 feet. आप statue में सिर्फ chest level तक जा सकते हैं, इसके लिए आप उनका face ठीक से देख नहीं पाते। But at the exhibition hall, ना सिर्फ आप उनका face और एक replica देख सकते हैं उनके statue का, आप what went behind the making of the statue के बारे में जान सकते हैं। Lots of pictures, paintings about the Narmada village, the tribal life, the Narmada dam और उनकी स्टोरी के बारे में भी। यहाँ पर यू विल ऑल्सो गेट टू सी अ 6 to 7 minute फिल्म ऑन नर्मदा डैम एज वेल एज सरदार वल्लभ भाई पटेल हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज स्ट्रगल्स एंड ऑल हिज अचीवमेंट्स। बहुत प्यारे चेहरे के नकाश बनाए हैं, बिल्कुल असली लग रहा है मुजस्मा भी सरदार जी का। वो कितनी यादगार तस्वीर है, नेहरू बैठे हैं और साथ में जनाब भी थे। ये गैलरी है बड़ी शानदार, इतनी बुक्स, पर ये पढ़ता कोई नहीं होगा। You know, this is so interesting. मतलब यहाँ बच्चे आकर वल्लभ भाई पटेल की पूरी स्टोरी जान सकते हैं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज।
Now it's quiz time. How attentive I was. Oh, this is very interesting. मतलब आप सच में उनकी पूरी स्टोरी जान सकते हैं वेरी सिंपल वर्ड्स. Forget about kids. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आप यहाँ पे कौन से बर्ड्स और एनिमल्स को देख सकते हैं उन सब का यहाँ पे फोटोग्राफ लगा जबरदस्त है यार, बहुत प्यारा माहौल बनाया है. खुला भी बहुत है, बहुत बड़ा सारा इंतज़ाम है. मेरा तो ख्याल था कि शायद सिर्फ एक स्टैचू ही है, लेकिन नहीं, आसपास तो बहुत कुछ है और बड़ा लग्जरी वीआईपी किस्म का सब कुछ है, साफ सुथरा सा. So we are now on the 45th floor, which is the chest level 45th floor. Very, very excited to see what the view looks like and how it feels to be so close to the tallest statue in the world. Currently, we are inside the statue, जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत view आप देख सकते हैं. जबरदस्त. वो डैम था. जो आई है, it's a high-speed lift. उनके दोनों पैरों में दो lifts हैं. 38 seconds में आप 45th floor पर पहुँच सकते हैं. So it's quite a high technology. और जो यहाँ पर रहते हैं, रोज काम करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा information होती है इस जगह के बारे में. तो मेरे साथ है प्रेमिला. हाई प्रेमिला. हाई. कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? 3 साल हो गए मुझे. मतलब लॉन्च से लेके अब तक आप यहीं पर हैं. हाँ. अच्छा, तो इसकी हाइट 182 मीटर्स क्यों है? कि इसीलिए रखा है कि 182 मीटर रखने का रीजन है कि गुजरात विधानसभा की सीटें 182, इसीलिए 182 मीटर रखा गया. गुड. अच्छा, और यहाँ पे किस तरह का व्यू दिख सकता है और कोई खास वजह कि यही जगह चुनी गई है स्टैचू बनाने के लिए? देखो, सरदार सर का सपना था सरदार सरोवर डैम बनाने का, तो 1950 में उनका निधन हो गया था, तो उनका सपना अधूरा छूट गया था. उधर फेस रखा गया कि उनकी आंखों से उनका सपना साकार हुआ, इसीलिए देख सकते. इनके सरदार साहब खड़े यहाँ पे अपने ख्वाब की तामीर देख रहे हैं डैम की सूरत में. गुड. बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है सच में. इफ यू आर कमिंग हियर इन द कैपेसिटी ऑफ अ टूरिस्ट, आपके लिए यहाँ पर स्टैचू को एडमायर करने के अलावा भी बहुत कुछ है. एनीबडी हु बाइज द बेस लेवल टिकट विल गेट एन एक्सेस टू द वैली ऑफ फ्लावर्स एंड ऑल्सो टू द डैम व्यू पॉइंट. बट इसके अलावा अगर आप शाम को आते हैं तो 7 बजे यहाँ पे लेजर शो होता है जो आप देख सकते हैं. देयर इज ऑल्सो अ ग्लो गार्डन हियर एंड देयर इज ऑल्सो अ जंगल सफारी एंड विच इज वेयर आई एम हेडिंग नाउ. जितनी महंगी टिकट उतने ही उसमें नज़ारे, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा भी नहीं है. अगर 1000 रुपया भी है तो ये ज़बरदस्त है, पूरा जू ही है. Now we are at the Kevadia Jungle Safari, जो Statue of Unity से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है. And this zoo has some of the most amazing animals from Asiatic lion to white tigers. अच्छा, ये उससे 1 किलोमीटर दूर है. I've never seen a white tiger before. And at Kevadia Jungle Safari, you can get a glimpse of this beautiful looking white tiger. अच्छा, ये mirror वाले zoo इंडिया में भी चल गए हैं. Good. ये वैसे बाहर देखने को मिलता था यूरोप में, जब बिल्कुल बीच में पता नहीं लगता कि कुछ है कि नहीं. वो जानवर हमला भी कर देते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन बीच में शीशे से टकराते हैं, फिर उन्हें पता लगता है कि इंसान और हमारे दरमियान अभी ये शीशा मौजूद है. बंगाल टाइगर इंडिया में तो वैसे भी तकरीबन 70-80% टाइगर हैं पूरी दुनिया के. इवन दो ये एक ज़ू है, आई थिंक हम टूरिस्ट को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए. एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में अगर रहे तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है, और अगर वो यहाँ पर हैं तो हम टूरिस्ट को सिर्फ उन्हें देखकर बस छोड़ देना चाहिए विदाउट बॉदरिंग और डिस्टर्बिंग देम टू मच. सो दैट वाज माय डे हियर एट स्टैचू ऑफ यूनिटी एज वेल एज केवड़िया जंगल सफारी. सो डू मेक अ ट्रिप हियर बिकॉज इफ यू ट्रूली लव इंडिया यू मस्ट नो ऑल अबाउट आवर कल्चर. अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी काम्या जानी ऑन कर्ली टेल्स साइनिंग ऑफ. बहुत ज़बरदस्त है. दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू एक ऐसी शख्सियत से मंसूब है जिन्होंने यूनिटी इत्तेहाद के लिए काम किया है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 प्रिंसी स्टेट्स यानी शाही रियासतों को यूनाइटेड करके एक मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी. ये स्टैचू गुजरात में इसलिए है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद गुजरात के थे. इसके साथ साथ गुजरात ने इंडिया को गांधी जी और अब मौजूदा दौर में मोदी जी जैसे बड़ी शख्सियात दी हैं,
अगर इस स्टैचू की हाइट की बात की जाए तो इस स्टैचू की हाइट में जो फिगर हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। 182 मीटर्स की हाइट इसकी बताई गई है। और इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है कि गुजरात की जो रियासती असम्बली है उसकी सीट्स की तादाद 182 है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस स्टैचू की हाइट भी 182 मीटर्स रखी गई, जबकि ये फिट्स में 592 फीट बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वीडियो में देख के भी ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल एक कोई पहाड़ सा खड़ा होता है आपके सामने, और ये इतना बड़ा है कि लोग तो इसके पाँव के आगे भी बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे थे, और सरदार साहब की एक एक उंगली तो बहुत बहुत बड़ी लग रही थी। हर चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, लेकिन जो भी वो शुरू में ऐसे है ना कि बिल्कुल सरदार साहब सामने खड़े हैं तो बिल्कुल सच में हैरान कर देने वाला था। टिकट्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, 150 में आप गैरली में जा सकते हैं, सरदार साहब के मुजस्मे के बिल्कुल पास तक जा सकते हैं, और 380 वाले टिकट में आप सेकेंड लेवल टिकट हासिल करते हैं तो आप उनके चश्म तक जा सकते हैं, वहाँ से आपको और ही नज़ारे देखने को मिलेंगे, डैम के नज़ारे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 38 सेकंड में 45 मनाजिल तय कर लेती है ये लिफ्ट, और बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाती है। ऊपर जाके भी बहुत ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसे वहाँ पर जो गाइड थे वो बता रही थी कि सरदार साहब की ख्वाहिश थी कि डैम बनाया जाए, 1950 में उनका इंतकाल हो गया, इसलिए उनकी ख्वाहिश उनकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकी, लिहाजा अब डैम को बिल्कुल उनकी आंखों के सामने बनाया गया, और सरदार साहब का मुजस्मा हर वक्त उस डैम को देख रहा है। ये भी एक बड़ी निस्बत देने की कोशिश की गई है, जो कि सुन के बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का खिताब है वो खुद गांधी जी ने दिया था। इन्होंने किसानों के हकूक़ के लिए ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ एक बहुत ही कामयाब तहरीक चलाई थी, जो कामयाब हुई थी, और उसके बाद गांधी जी ने उन्हें सरदार साहब का लकब दिया था। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आती कि आज़ादी हिंद में सरदार साहब का इतना बड़ा नाम है वल्लभ भाई पटेल का, लेकिन उसके बावजूद जब इंडिया आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुई, तो ये पहले वज़ीर आज़म नहीं बन सके, बल्कि ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे और होम मिनिस्टर बने थे। यहाँ मैं ये आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि आप भारतीय हैं, आपका वतन है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आज़ादी हिंद के बाद यानी ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करने के बाद नेहरू जी को वज़ीर आज़म बना दिया गया, लेकिन सरदार साहब जिनका इतना नुमाया नाम हमें जहाँ पे भी देखने को मिला, तहरीक आज़ादी में देखने को मिलता है, तो उन्हें वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया गया, उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया? ये एक सवाल है, अगर आप मुनासिब समझे तो कमेंट्स में इसका जवाब दे सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।